हर पॉलिटिकल पार्टी में अपना राइट है कि आऊँगा। जो बेइंसाफी सेंट्रल सरकार ने की है जिहदा बहुत वड्डा नुकसान पंजाब के किसानी नूं होना है, इतों की घट्टो घट बीजेपी यूनिट जो पंजाब का है उन्होंने तो स्टैंड लेना चाहिए। इत्थे आके एक्टां दे फायदे दसन की बजाय जो मंग है किसानी की, घट्टो घट किसानी की मंग पूरी करनी चाहिए है। जो किसान जथेबंदियां लगियां सारे किसान संघर्ष कर रहे हैं उन्हां दी गल सुन के उन्हां दा हल कढ़न की लोड़ है, लैक्चर देने की लोड़ नहीं। भारतीय किसान यूनियन अकालतक साहब से पेश हुई है, धन्यवाद किया खसिया साहब का, लाल पीर भी की है, एक ऐलान भी किया कि जेपी नड्डा की पंजाब के का विरोध किया जाऊंगा, बिना जवाब नहीं दिया जाऊंगा। वो सारी उन्होंने पार्टियों की जो फैसला है उन्होंने फैसला काफ़ी देर की उन्होंने इच्छा से 117 सीटा लड़ना। एज अ पोलिटिकल पार्टी उन्होंने राइट है लड़ लें, बहुत खुशी की गल है, कोई चुनौती नहीं। पंजाब की जनता को पता है कि पंजाबियों की असली हकदार पंजाबियों के वोट की कौन पार्टी है, कौन पार्टी ने पंजाब वास्ते कुछ किया, कौन पार्टी ने पंजाबियों वास्ते संघर्ष किया, कौन पार्टी ने पंजाबियों वास्ते काम किए है पंजाबियों को पता है। सो कोई ऐसा बहुत पार्टियां मैदान जंग च आ जाती हैं, कई बंद छोटी छोटी पार्टियां ने कोशिश की है पर पंजाब की जनता ने निकार के रख दिता है। पंजाब की जनता बड़ी क्लियर है, उन्होंने पता है हर पार्टी का पिछोकड़ बारे पता है। बहुत सीरियस मैटर है, बहुत वड्डा इल्जाम लगे एंड पुलिस नू जरूर इसते स्ट्रोंग एक्शन लेना चाहिए कि जे उसे सच्चाई है तो मैं बहुत सीरियस गल है। पी चिदम्बरम सीनियर कांग्रेस लीडर का अच्छ बयान आया कि बिहार के नतीजे तो बाद कांग्रेस के जमीनी पद से नज़र नहीं आ रहा। जब कांग्रेस तुसी देखोगे पूरे देश में हूँ खत्म हो रही है, क्यों जे कांग्रेस की जो बंदा कांग्रेस हर पार्टी का जो लीडर होंगे ना एक फेस होंगे वो पार्टी की अगवाई करता है। कांग्रेस की लीडरशिप क्राइसिस है, कांग्रेस का जो फेस है राहुल गांधी है वो कॉम्पिटेंट ही नहीं। उन्होंने मतलब जिमें ऐ लगता है जिमें धक्के कुर्सी पर बिठाया प्रधानगी की वो आप करना नहीं चाहता। जिहड़ा बंदा दिलों सेवा नहीं करना चाहता, जिहड़ा इंसान दिलों लड़ाई लड़ना नहीं चाहता, जिहड़ा इंसान दिलों पार्टी की अगवाई करना नहीं चाहता पर धक्के तो बिठा दौ आई होना जो कांग्रेस का हो रहा है। पंजाब की कांग्रेस फेस बदल की चर्चा जी, कांग्रेस का पंजाब बिल्कुल खत्म है। पिछली बार भी जो कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री सी ए जिया करतूत सी एजे उन्होंने धक्के किए पंजाब नाल, एजे उन्होंने डिवेलपमेंट बिल्कुल खत्म करते सी, लुट खोह का काम उदो सी। ताइयों 10 साल लगातार श्रोमणी अकाली दल राज रहा, 10 साल के बाद भी श्रोमणी अकाली दल राज रहना सी, पर सारिया पार्टियां झूठ का झूठ नूं अगे रख के झूठा प्रचार इन्ना किया ते कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुटका साहब की झूठी सौ करके पंजाब दे लोकां दी भावना का खिलवाड़ करके ऐसियां गल्लां कहीं जड़ियां, क्योंकि अपनी कौम विच एक वड्डी गल है कि जे कोई गुरु साहब की गुरु घर की कोई सौ खांदा है इहदा मतलब आपां उहनूं मन लैंदे कि वह सही बोलदा होणा। आम आदमी पार्टी पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वो मर्यादा भी तोड़ दी, तो गुरु अपने तख्त साहब की झूठी सौ खा के जिहड़ा वड्डा पाप गुना पाप किया है बेअदबी की है उन्हें भुगतना पैना, उन्हें सज़ा मिलेगी एंड जनता ने सज़ा देनी है। तुम एक्ट देख लियो कि सज़ा दी प्रकाश पुरब ने गुरु नानक देव जी का पर वार बार अपील की गई श्रोमणी अकाली दल वालों श्रोमणी कमेटी वालों या होर सिख संगत वालों करतारपुर साहब का लांघा नहीं खोलिया जा रहा। बड़ी अफसोस है कि करतारपुर साहब का लांघा एक साल पहले जो खुलिया इसलिए खुलिया कि हूँ पक्का ही खुलिया जाऊगा, पर एक साल के अंदर पता नहीं की गल है क्योंकि जो कोविड की बीमारी करके तो सारिया सारा कुछ खुल गया, पूरे देश खुल गया, दुनिया खुल जाती है, कल आई है करतारपुर से लांघा जो नहीं खुल रहा।
मैं प्रदेश के प्रधानमंत्री अपील करता कि इस मैटर नूं सीरियसली लैन। आ सिख भावना का मसला है तो सिख संगत उत्थे दर्शन दे जाना चाहती है तो आप इमीजिएटली टॉप प्रायोरिटी लैके जे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी गल करनी है जो भी गल करनी है करके इमीजिएटली बुला। ड्रग माफिया की वड्डी सपोर्ट करते हैं कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी कह रही पिछले चार साल हो गए कांग्रेस मुख्यमंत्री बने नूं तुसी बच्चा बच्चा पंजाब का कह रहे कि जे ड्रग माफिया नूं प्रमोट किया तो कांग्रेसी एम एल ए ने किया। कांग्रेसी एम एल ए इन्हां तों महीना लेंदे है महीना लेंदे है एक मिला दा एक इनकम का पैसे का जरिया बना लिया कांग्रेस के एम एल ए ने। अज कांग्रेस के एम एल ए रेत माफिया शराब का जिन्ना जाली काम कांग्रेस के एम एल ए करते मैं यदा रिकॉर्ड कायम हो गया उन्होंने म उन्होंने मन च एक गल पै गई कांग्रेस के लीडरशिप के अंदर कि ये बाद साडा पता नहीं मतलब अगले 20-25 साल सरकार नहीं आनी हूँ ही गरीबी दूर कर लो हूँ सारे जोड़ा मिशन है। मैं तो डर है कि अगले साल जोड़ा अखीरला साल पता नहीं किमें लुट्ट गए तो किमें तंग करेंगे लोगों को इन्ना खुला हथ देता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सोच है कि मैनू ना कुछ कहो तुम जो मर्जी कर लो। कैप्टन भी दो हाथ लगे लुटन से खुली छुट्टी दी है ये तो माड़ी गल की हो सकती है। कैप्टन साहब मैं तो आई कहना चाहना चार साल हो गए कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बने मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह एक काम दस दिन एक ही मैं पहले पांच कहना होता मैं पांच भी छड़ते एक दस दिन कि मैं पांच चार साल आ एक काम पंजाब वास्ते किया एक काम दस दिन सर जी जथेदार साहब ने कल एक गल कही कि केंद्र की जी सरकार लोकतंत्रिक तरीके दे नाल नहीं बनी ईवीएम उहदा की मायने मैं जथेदार साहब दे जो उन्होंने संदेश दिता है उहदे उत्ते मेरा कोई राइट नहीं कुछ भी टिप्पणी करदा एक उन्होंने तुहानूं मैं कह रहा ना असीं उहदे उन्होंने जो भाषण है जिवें भाषण दिता है जिस भावना नाल दिता है साडी सारी कौम उस भावना समझदी है ते इस करके असीं उस बयान ते ना साडा कोई हक है कोई भी विचार दे तुहानूं जिहड़ा इक जायजा रिजल्ट आया है जिवें एक तूफान एक पासे सी ते रिजल्ट ऑपोजिट आया कई लोगों के कई पोलिटिकल एनालिस्ट के मन च शक होने लग गया जिम्मेवारी किसान सड़कों पर है किसान की लड़ाई है आ किसान जथेबंदी क्यों लड़न आ इसलिए लड़ाई तो पंजाब के मुख्यमंत्री को लड़नी चाहिए है क्योंकि मुख्यमंत्री पंजाब के लोगों ने चुने सारिया पार्टियां किसान के नाल है तो किसान की आवाज ऑफिशियल आवाज बननी चाहिए है मुख्यमंत्री की बननी चाहिए है। मुख्यमंत्री तो पांच मिनट वास्ते दिल्ली नहीं आते जे मुख्यमंत्री के स्टैंड हो मुख्यमंत्री उत्थे जाके प्रधानमंत्री के घर के सामने धरना देन उत्थे कैबिनेट बैठे इनडेफिनेटली धरना होए प्रेशर बने आप तो इत्थे बैठे महल च किसानों को क्या तुम हल रोक लो तुम धुप्पे बैठे रहो तुम रात भी ठंड बैठे रहो मैं अपने घर जाए बयान जो मर्जी दवा दो सर एक जड़ी सर जड़ी कल मैं चिट्ठी भी लिखी है प्रधानमंत्री जो लोड पे ऐसी जाऊंगे सर जड़ी कल गल दोहराई गई बार बार स्टेज तो कि सिखा नू या कौम नू दो फाड़ करने की कोशिश कर रही है ताकतां दी गल कीती गई वो किहड़ियां ताकतां ने कौन लोग ने ताकत है जिवें तुसीं देखिया होना है जदों मिलिटेंसी डे टाइम सी उदों पुलिस ने अपने कैट पैदा कीते सी जिहड़े कैट देख के पछाण के ते ओह पुलिस दी मदद करदे सी हुण आ कांग्रेस ने पोलिटिकल कैट पैदा की है एक अपने खालसाई रूप में ऐसे कैट पैदा किए जो लगते सिखा सारा सारा कुछ अपने आप को धार्मिक कहते हैं पर है कांग्रेस के कैट कांग्रेस कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कहता है उवें हुक्म आता तो उवें करते हैं हूँ बरगाड़ी थोड़ा पता मोर्चा लग्या कैप्टन ने कहा बहना बह जाओ जो कैप्टन ने कहा था उठ खड़ो मिनटा च उठ खड़े आ सारे कांग्रेस के कैट है कांग्रेस के पोलिटिकल रिलीजियस कैट है जी मकसद उन्हों का कि सिख कौम कमजोर किया जाए। सर जी सिंह साहब ने गल कही थी कि जेकर तुम वे लिख दो बादलों का नाम तो फिर कोई रौला नहीं पैंदा मैं यही कह रहा मैं सिंह साहब की कोई भी गलते असी
कोई भी टिप्पणी नहीं करनी या कोई विचार, पर उन्होंने आदेश भी तुम्हें किया एक यात्रा कटो असं जरूर मनना पालन कर सफर से चलन का। हाँ, श्रोमणी अकाली दल पंथ की नुमाइंदा जथेबंदी है, क्लियर है। उस भावना ना कौम ने बनाई है जथेबंदी, सो जो साड़ी ड्यूटी है असं पूरी तरह निभावे, जे साथ तो कोई कमियां हुई हैं वो असं सुधारा। थैंक यू।